SOPs हैं, जो भी गाइडलाइंस हैं उनका पालन करा, और दूसरा अभी वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, पूरे जिले में चल रहा है। 63 जगह पर हमने वैक्सीनेशन के CTC बनाए हैं, कोविड वैक्सीन सेंटर, और उसमें भी ये उनको निर्देश दे दिए हैं कि अगर मान लीजिए BSC CSC दूर है तो वो उस कॉलोनी में ही जाके, उस जगह पे ही जाके, जो गांव है, जो ढाणी है, उसमें जाके ही वो टीका लगा आती है। तो आज की बात हुई है इस तरह से वो उपलब्ध है। मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री महोदय, हम सभी मिले हैं आपको शुभकामनाएं हैं। पहले हम एक बार पंचर वाला की बात करें, मैं डॉक्टर सुभाष सिंह देवी रेडियम स्वयं को समिति की मीटिंग आपने ली, क्या निर्देश दिए और क्या चर्चा हुई? देखिए, आज शांति समिति के माननीय सदस्य यहाँ आए थे, कुछ अधिकारी भी आए हैं। हमने होली और धूलंडी और जो सब ए रात एक त्योहार, इनके बारे में विशेष रूप से चर्चा की है, और शांति समिति के साथ जो हम प्रशासनिक व्यवस्थाएं कर रहे हैं उनकी जानकारी उनको दी है, और उनसे जो शहर में और विभिन्न जो ब्लॉक और गांवों में होने वाले कार्यक्रम हैं उनके बारे में फीडबैक लिया है। इस अवसर पर हमने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष रूप से अपील की है, और जो पुलिस व्यवस्था है वो पर्याप्त रूप से रहेगी। इस अवसर पर हमने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए हैं, और धारा 144 भी लगाई है, जिसमें हमने विभिन्न प्रावधान किए हैं। विशेष रूप से किसी भी व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के ऊपर कीचड़, ग्रीस लगाना या जला हुआ ऑयल लगाना या किसी के शरीर पे गुब्बारे फोड़ना, इसको प्रतिबंधित कर दिया है जिले में। और इसके अतिरिक्त कोई भी शस्त्र अस्त्र या आग्नेयास्त्र इत्यादि को भी प्रतिबंधित किया है। तो मैं यही कहूँगा पूरे जिले वालों को, सवाईमाधोपुर जिले के सभी वासियों को, उनको सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, धूलंडी की शुभकामनाएं, और शांतिपूर्ण त्यौहार को मनाएं। और हमने वही बात आज शांति समिति में चर्चा की है।